उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जो युवा लंबे समय से सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही नौकरी का अवसर मिलने वाला है। खासकर पुलिस कांस्टेबल बनने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के 2000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के 4855 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कई विभागों में समूह ग की 16 भर्तियां प्रस्तावित परीक्षा तिथियां शामिल की गई हैं। इनमें से तमाम नई भर्तियां निकाली जानी हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के हिसाब से पदों का रोस्टर तय होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें वन दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक जैसी बड़ी भर्तियां भी शामिल हैं। नए कैलेंडर के हिसाब से आयोग इस महीने से लेकर अगले साल सितंबर तक ये भर्ती परीक्षाएं कराएगा। अब आपको बताते हैं कि वो आखिर कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनमें जल्द ही भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उन विभागों में पदों की संख्या कितनी कितनी है। सबसे पहले भर्ती हवलदार प्रशिक्षक की है। इसमें पदों की संख्या 24 और प्रस्तावित परीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर है। दूसरी भर्ती परीक्षा कर्मशाला अनुदेशक की है। इसमें पदों की संख्या 370 और परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 25 नवंबर है। वहीं वैयक्तिक सहायक में 257 पद, जिसकी परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 8 दिसंबर है। इसके अलावा वाहन चालक के 34 पदों पर भर्ती परीक्षा 18 दिसंबर को है, जबकि संस्कृत विभाग प्रवक्ता के 18 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा 29 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसके बाद कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, राजस्व सहायक की 1150 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा अगले साल 19 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है। वहीं पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए 1 फरवरी 2025 से शारीरिक दक्षता शुरू होगा और 15 जून को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक के 21 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा 23 फरवरी को प्रस्तावित है। वहीं सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 में 38 पदों पर होने वाली परीक्षा 9 मार्च को प्रस्तावित है, जबकि लाइब्रेरी साइंस के 6 पदों के लिए होने वाली परीक्षा 23 मार्च को है। इसके बाद वन दरोगा की 200 पदों पर भर्ती 20 अप्रैल को है और फिर स्नातक अर्हता के 30 पदों पर होने वाली भर्ती की परीक्षा 25 मई को प्रस्तावित है। इसके बाद सहायक लेखाकार के 26 पदों पर भर्ती परीक्षा 6 जुलाई को प्रस्तावित है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए 600 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा 3 अगस्त प्रस्तावित है, जबकि वाहन चालक के 21 पदों पर होने वाली भर्ती 24 अगस्त को प्रस्तावित है। इसके बाद विशेष तकनीकी के 60 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा 1 से 10 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। कुल मिलाकर 16 भर्तियों के 4855 पदों पर भर्तियां होनी है। ये सभी परीक्षा तिथियां फिलहाल संभावित हैं, इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।